मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ईवीएस क्लास। कल हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था और हाफ पार्ट जो हमने उसका रीड कर लिया था, आज आगे हम रीड करेंगे। अब है आफ्टर दैट द डॉक्टर एग्जामिन्ड अ चाइल्ड मदर। उसके बाद डॉक्टर ने एक बच्चे की मदर को चेक किया। द लोअर पार्ट ऑफ हर थ्रॉट वाज स्वॉलन ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। उसकी ग्लैंड की इनलार्जमेंट की वजह से उसके थ्रॉट का लोअर पार्ट स्वेल हुआ पड़ा था, सूजन आई हुई थी उसमें, जैसे ये देखो दिखाया हुआ है आपको। थ्रॉट मीन्स आपके गले के। द डॉक्टर टोल्ड हर दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ये किसकी वजह से था, वो एक बीमारी से जूझ रही थी जिसका नेम है गॉइटर, और ये किसकी वजह से है, आयोडीन की कमी की वजह से होती है। शी कुड सेव हरसेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज बाय यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट एंड ईटिंग सी फूड। और इससे बचने के लिए डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि वो सी फूड खाए और आयोडाइज्ड सॉल्ट ले। आगे एट लास्ट द डॉक्टर आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट्स हाउ दे कम टू नो दैट दे आर हंग्री। उसके बाद डॉक्टर ने सभी स्टूडेंट्स से पूछा कि उन्हें कैसे पता चलता है कि वे भूखे हैं। खुशप्रीत ने कहा, व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, वी फील टायर्ड, हम थका महसूस करते हैं, वी कैन नॉट डू आवर वर्क प्रॉपरली, हम अपना काम भी सही से नहीं कर पाते, वी कैन वर्क ओनली आफ्टर टेकिंग सम मील्स, कुछ खाने के पश्चात ही हम अपना काम कर सकते हैं। द डॉक्टर टोल्ड द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन दैट मोस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन वर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज। उसके बाद डॉक्टर ने पेरेंट्स को बताया कि उनके बहुत सा बच्चे, जो ज़्यादातर बच्चे जो हैं, उन्हें कोई ना कोई बीमारी है, किसी ना किसी कमी की वजह से वो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। दीज डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स इन फूड। ये सारी बीमारियाँ जब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स की कमी आती है, तब होती हैं। अब ये सारे जो थे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, हमने स्पेशल न्यूट्रिएंट्स लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर 12 में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स क्या क्या होते हैं। तो इन सब की कमी की वजह से समटाइम्स बच्चे में कोई ना कोई डिजीज होती है। आगे है, वी कैन नॉट डू एनी वर्क प्रॉपरली ड्यू टू डेफिशिएंसी डिजीजेस, हम अपना काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर जो कोई ना कोई बीमारी होती है किसी ना किसी कमी की वजह से। सो वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, इसीलिए हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। वी शुड नेवर रिमेन हंग्री, हमें भूखा नहीं रहना चाहिए। वी शुड टेक अ डाइट डेली एट द प्रॉपर टाइम, अपना खाना प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए। दे गेव अ चार्ट रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट टू द टीचर। और उसके बाद डॉक्टर ने टीचर को एक चार्ट दिया जिसमें बैलेंस डाइट और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया था। ये देखो यहाँ पे चार्ट भी शो किया गया हुआ है, ऊपर है फैट्स, ऑयल, स्वीट्स, मिल्क, योगर्ट, चीज़, ऐसे सारी चीज़ों के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके बैलेंस डाइट को मेंटेन करती हैं, कौन सा डाइट बैलेंस होता है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। देन अ टीचर्स टोल्ड द पेरेंट्स दैट द चिल्ड्रन आर गिवन मिड डे मील इन स्कूल टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। फिर टीचर ने बताया कि बच्चों को मिड डे मील भी दी जाती है माल न्यूट्रिशन से बचने के लिए। माल न्यूट्रिशन हम लास्ट में डिस्कस की थी कल के टॉपिक में, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। Different type of foods are provided in midday meal. Midday meal में बहुत तरह के foods दिए जाते हैं। The parents should also take proper care of their children's health. Parents को भी अपने बच्चों की health की care करनी चाहिए। If any child is sick, अगर कोई बच्चा बीमार है, he or she must be taken to hospital for checkup. तो उसे hospital ज़रूर ले जाना चाहिए checkup के लिए। No medicine should be given to the child without doctor's advice. और डॉक्टर की एडवाइस के बिना बच्चे को कोई भी मेडिसिन जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। Then the doctor told that sometimes there is shortage of grain due to natural calamities such as tsunami, floods and drought. फिर डॉक्टर ने बताया कि कई बार अनाज में कमी आ जाती है कुछ नेचुरल क्लाइमेटिस के वजह से, सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो उन सारी वजह से कई बार अनाज में कमी आ जाती है। शॉर्टेज ऑफ ग्रेन लीड्स टू फेमाइन, और जब शॉर्टेज हो जाती है अनाज की तो सूखा पड़ जाता है, मतलब भूखमरी टाइप आप बोल सकते हो। एज अ रिजल्ट पीपल डू नॉट गेट मील टू ईट, और इस वजह से लोगों को खाना नहीं मिलता। इट रिजल्ट इन डेथ्स ऑफ मैनी पीपल, इस वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन, स्पेशली बच्चे, ड्यू टू हंगर एंड डेफिशिएंसी डिजीज।
बीमारी भूख की वजह से या उन्हें कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है उसकी वजह से। आगे देखो, डू यू नो अबाउट द फेमाइन इन बंगाल, जब बंगाल में सूखा पड़ा था, ये भी हुआ था नेचुरल डिजास्टर की वजह से। कब हुआ था? 1943 में, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ था? कॉज्ड बाय द ब्रिटिश, फॉर फियर ऑफ एंट्री ऑफ जापान इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द ब्रिटिशर्स क्लोज्ड ऑल द रूट्स टू बंगाल। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान इंडिया में एंटर ना कर पाए, उस वजह से ब्रिटिशर्स ने बंगाल के सारे रूट्स बंद कर दिए। जो फूड स्टोर था, लोगों ने फूड स्टोर करके रखा था, वो भी जल्दी ही ख़त्म हो गया। फूड कुड नॉट रीच फ्रॉम अदर स्टेट्स, अब सारे रूट्स बंद थे और कहीं से भी फूड जो है बंगाल में नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से लाखों लोग जो थे वो भूख की वजह से और डेफिशिएंसी डिजीजेस की वजह से मर गए। इवन टूडे, इवन आज भी कहता, पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम हंगर ड्यू टू वॉर्स अमंग द कंट्रीज। आज भी कई लोग भूख की वजह से मरते हैं जब कंट्रीज के बीच में युद्ध होता है, वार होता है। तो ये कुछ सीन्स दिखाए गए हैं जब बंगाल में सूखा पड़ा था, भुखमरी आई थी, लोग कैसे बिल्कुल दुबले पतले से हो चुके हैं और उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता था। नाउ अ डेज ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, आजकल के दिनों में अनाज को एक लार्ज स्केल पे सेव किया जाता है इन गोडाउन्स में गवर्नमेंट द्वारा, टू सेव द पीपल फ्रॉम हंगर, लोगों को भूख से बचाने के लिए। मैनी राशन डिपो हैज़ बीन ओपन इन अर कंट्री, बहुत सारे राशन के डिपो जो हैं वो हमारी कंट्री में खोले गए हैं, जहाँ नेसेसरी फूड आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं लोगों के लिए, इधर फ्री और एट वेरी लो रेट्स, या तो बिल्कुल फ्री होती, मुफ्त दी जाती है, या कुछ बहुत से कम रेटों पे लोगों को वहाँ पे खाने की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कैसे राशन डिपो में खाना मिल रहा है, और ये है ग्रेन्स जो स्टोर करके रखे हैं गोडाउन्स में। दक्ष फादर बिकम वेरी हैप्पी व्हेन हिज सन टोल्ड हिम अबाउट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डॉक्टर। फिर दक्ष ने घर जाके अपने पापा को जो इन्फॉर्मेशन बताई थी, जो डॉक्टर्स ने उसे दी, उसको सुनने के बाद उसके फादर बहुत हैप्पी हुए। इसके बाद ही एडवाइज हिम टू ड्रिंक मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स डेली, और उन्होंने उसे एडवाइस किया कि वो रोज दूध पिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाए। आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि आपको बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए, जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हम अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।